वर्षों पहले गजमुखासुर नामक एक दैत्य रहता था। अन्य दैत्यों के समान वो भी अत्यधिक शक्तिशाली बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। मैं शिव से वरदान पाने हेतु अपने पूर्वजों के समान घोर तपस्या करूंगा तथा मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें तपस्या से अवश्य प्रसन्न कर लूंगा। गजमुखासुर पर्वत के शीर्ष पर विराजमान होकर घोर तप करने लगा। अनेक वर्ष व्यतीत हुए, भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान शिव उसके सम्मुख प्रकट हुए। सुनो गजमुखासुर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो। तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? गजमुखासुर ने नेत्र खोलकर देखा। हे प्रभु, आपको सम्मुख देखकर मैं धन्य हुआ, कृपया मुझे वरदान प्रदान करें। मांगो गजमुखासुर। मुझे वरदान दें कि मैं धनुष, बाण, परसा, गदा, तलवार तथा अन्य किसी भी प्रकार के शस्त्रों आदि से न मारा जा सकूं। तथास्तु। भगवान शिव वरदान देकर अदृश्य हो गए। गजमुखासुर प्रसन्न हो उठा। अब किसी के लिए मेरा वध करना संभव नहीं है। गजमुखासुर ने देवताओं तथा सभी को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। देवता शिव के सम्मुख उपस्थित होकर सहायता मांगने लगे। चिंतित न हो, मैं अपने पुत्र गणेश को गजमुखासुर का वध करने हेतु भेजूंगा। शिव ने गणेश को बुलाया। पिताश्री, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? सुनो पुत्र, तुम्हें गजमुखासुर का वध करके इनके कष्टों का निवारण करना है। मुझे ज्ञात है पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का यथाशीघ्र पालन करूंगा। बालक गणेश कैलाश से गजमुखासुर से मिलने चल पड़ा। आप यहाँ क्यों आए हैं? अत्याचार करना समाप्त करो तथा शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करो। आपके परामर्श हेतु धन्यवाद। अब आप यहाँ से चले जाएं एवं अपना कार्य देखें। तो युद्ध करो। आपकी यही इच्छा है तो यही सही। गणेश ने बाण, गदा एवं फरसे से उस पर प्रहार किया, परंतु कोई भी शस्त्र उसे छू न सका। सुनो अबोध बालक, तुम्हें ज्ञात नहीं कि शस्त्र मुझ पर निष्प्रभावी है। ये सुनकर गणेश ने बिना एक पल गंवाए अपना एक दांत तोड़कर उससे गजमुखासुर पर प्रहार किया। उसने तुरंत एक छोटे मूषक का रूप धारण करके गणेश पर आक्रमण किया। अच्छा, तुम्हें वश में करने का मार्ग तुमने स्वयं दिखा दिया। गणेश उसके निकट आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वो निकट आया, गणेश उसकी पूंछ दबाकर उसी पर बैठ गए। गजमुखासुर ने अपने विशाल रूप में आने का अथक प्रयास किया, किंतु विफल रहा। मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, आपने मेरा दर्प समाप्त कर दिया। मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा गजमुखासुर। उसी समय से गजमुखासुर गणेश का वाहन बनकर सदैव उनके साथ रहने लगा।